गाइस वेलकम टू चैनल हे जे एंड आई एम जयश्री एंड मैं बहुत एक्साइटेड हूँ आपको ये बताने के लिए कि मैं अपना न्यू सीरीज स्टार्ट कर रही हूँ जिसका नाम है हाउ टू मेकअप। तो इसमें क्या होगा, मैं एक प्लेलिस्ट बनाऊंगी जहाँ पे मैं आपको बताऊंगी कि कैसे मेकअप अप्लाई किया जाता है स्टेप बाय स्टेप। तो आज मैं आपको बताऊंगी फाउंडेशन कैसे लगाता है, फाउंडेशन कैसे ढूंढते हैं, आपका राइट शेड, राइट टाइप, एवरीथिंग लाइक दैट। तो वो मैं आपको ये वीडियो में बता दूंगी। तो चलिए चलते हैं फाउंडेशन ढूंढने। रूल नंबर वन है कि आपको पता होना चाहिए कि फाउंडेशन को खुद को कवर करने के लिए नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि कैसे होता है, हम मोस्ट ऑफ द टाइम हम फाउंडेशन लगाते हैं और फिर जब फाउंडेशन निकालते हैं तो हम बोलते हैं कि मैं ऐसी दिखती हूँ, एंड देन आप खुद को वैसे पसंद नहीं करते हो, तो फिर आपको एक हैबिट लग जाती है कि मैं फाउंडेशन लगाने से ही सुंदर लगती हूँ। ऐसे नहीं होना चाहिए, आप वैसे ही बहुत प्रिटी हो, आप आपके नेचुरल कलर में बहुत प्रिटी हो। रूल नंबर टू इज़ टू फाइंड द परफेक्ट फाउंडेशन शेड, आपका एक्चुअल फाउंडेशन शेड ढूंढना। तो आपका जो नेचुरल स्किन कलर है उसी कलर का फाउंडेशन शेड लीजिए, ताकि फिर आपका ये स्किन टोन में आपको एक फ्लॉलेस अच्छा सा इवन टोन स्किन दिखेगा। तो उसको ढूंढते कैसे हैं, उसको फाइंड आउट कैसे करते हैं, तो उसके लिए हमें क्या करना है, हमें अपना अंडरटोन पता होना चाहिए तो इधर आप वार्म साइड पे हो या तो आप कूल साइड पे हो, नहीं तो आप न्यूट्रल पे हो। अभी तो इनको ढूंढते कैसे, इस पे गूगल पे बहुत सारा इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है, आप डेफिनेटली वो चेक कीजिए, क्योंकि वो एक्सप्लेन करने गए तो ये वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। तो जस्ट मेक श्योर कि आपको पता हो कि आपका अंडरटोन क्या है ना। सेकेंड पॉइंट इसमें क्या होगा कि आप स्टोर में जाके फाउंडेशन बाय करें, लेकिन आप बोलोगे हम स्टोर में जाते हैं, हम फाउंडेशन बाय करते हैं और फिर लेकिन घर आने के बाद वो आपको सूट नहीं करता है। वो इसलिए है क्योंकि स्टोर की लाइटिंग्स अलग होती है। तो आपको क्या करना है, आपको एक मिरर कैरी करना है, छोटू मिरर, और यू कैन कैरी योर कॉम्पैक्ट पाउडर, आपको ये कैरी करना है। और फिर आप स्टोर में जाइए, आप कोई भी ब्रांड का फाउंडेशन लीजिए, आपको जितने भी शेड्स लग रहे हैं, स्पेसिफिकली मैं बोलूँगी एक ही ब्रांड का सिलेक्ट कीजिए, तो फिर आप वो फाउंडेशन शेड्स में से आपको जो भी लग रहा है आपकी स्किन के क्लोज है, वो आप इधर ऐसे ऐसे करके लगाइए और फिर उनको थोड़ा सा ऐसे डैब करके मिक्सिंग कीजिए, थोड़ा स्पेस रखिए ताकि वो एक दूसरे के साथ मिक्स ना हो जाए। तो याद रखिए आपने कौन से लगाए हैं, कौन से नंबर के शेड्स लगाए हैं। फिर आप उस स्टोर के बाहर जाइए सनलाइट में। आई नो बहुत टास्क है, बट आई से अगर आप स्पेसिफिकली मेकअप बाय करने जा रहे हो तो आप डेफिनेटली ये कीजिए। फिर आप स्टोर के बाहर जाइए और फिर वो मिरर के थ्रू देखिए, मोबाइल के कैमरा से नहीं, क्योंकि कैमरा भी डिफरेंट लाइट रिफ्लेक्ट करता है। तो आप नॉर्मल मिरर, कॉम्पैक्ट मिरर, छोटू मिरर, जो भी मिरर है लेके जाइए और उसमें देखिए नेचुरल सनलाइट में कि वो आपको मैच हो रहा है कि नहीं। तो फिर अगर उसमें आपको दिख रहा है मैच हो रहा है, फिर वो आपका एग्जैक्ट स्किन शेड है। रूल नंबर थ्री, टू फाइंड द राइट कंसिस्टेंसी, आपके फाउंडेशन का कंसिस्टेंसी क्या होना चाहिए, या वो थिक होना चाहिए, थिन होना चाहिए, मीडियम कवरेज, फुल कवरेज, मैट, बहुत सारी चीज़ है। एंड ये डिपेंड करता है, कुछ भी हो ये डिपेंड करता है कि आपका स्किन टाइप क्या है, आप नॉर्मल स्किन टाइप हो, आप ऑयली हो या फिर आप ड्राई हो। तो उस क्योंकि अगर आप ऑयली हो, आप ऑयली कंसिस्टेंसी वाला लगा रहे हो जो ऑयल बेस्ड है, तो आपको बिल्कुल नहीं सूट करेगा, क्योंकि फिर आपका पहले से ही ऑयल प्रोड्यूस हो रहा है, उसमें और ऑयल डाल रहे हो तो फिर उससे प्रॉब्लम हो सकती है। ड्राई हो तो और मैट यूज़ कर रहे हो तो वो आपका स्किन और ड्राई कर देगा, और ऐसे स्क्विशी कर देगा, प्लस रिंकली दिखेगा। रूल नंबर फोर, एप्लीकेशन ऑफ फाउंडेशन एंड व्हाट टूल्स टू यूज, कि आप उसको अप्लाई कैसे करेंगे, आप फाउंडेशन लगाओगे कैसे फेस पे और आप कौन से टूल्स यूज करोगे। तो जैसे कि अभी सबसे पॉपुलर है ब्यूटी ब्लेंडर। अभी ब्यूटी ब्लेंडर गाइस ट्रस्ट मी ये एक्चुअली सच में बहुत अच्छा, क्योंकि ये क्या करता है, जब आप फाउंडेशन लगाते हो, इसे बहुत लोगों को ये मिथ रहता है कि ये बहुत प्रोडक्ट सोक इन करता है, लेकिन वैसे कुछ नहीं है। आप इसको अच्छे से डैम करो, मतलब थोड़ा सा गीला करो और इसको अच्छे से लाइटली प्रेस करो आपके फेस पे, क्योंकि कैसे होता है फाउंडेशन का, अगर हम उनको ठीक से अंदर ब्लेंड नहीं करेंगे तो फिर वो एक ऊपर लेयर ऐसे ही फ्लोट होते रहेगा आपके फेस पे, क्योंकि आपका ऑयल निकल रहा है, सब निकल रहा है, तो वो फाउंडेशन मेल्ट हो जाएगा। तो इससे क्या होता है, ये अच्छे से आपके फाउंडेशन को अंदर ब्लेंड कर लेता है। और अब है ना, एक और एक ब्यूटी ब्लेंडर मुझे मिला, दिस इज़ फ्रॉम मेबेलिन, मुझे उनकी फिट मी रेंज के साथ मिला था। ये ऊपर ना छोटे छोटे फाइबर्स है, तो ये क्या करते हैं, आपको एक फुल कवरेज लुक देते हैं। ब्रश, तो ये एक टाइप का ब्रश है, तो फिर ये इसका शेप थोड़ा, इफ़ यू कैन सी, थोड़ा डिफरेंट शेप है। तो इससे ऐसे शेप वाला ब्रश मुझे पसंद है, क्योंकि फिर वो अच्छे से हम सब जगह ब्लेंड कर सकते हैं। फिर आपको एक काबुकी ब्रश मिलता है, मैं उसका पिक्चर इधर डालती हूँ। तो काबुकी ब्रश से क्या होता है ना कि वो
एक फ्लैट ब्रश होता है जो अच्छे से ब्लेंड कर लेता है विदाउट लीविंग एनी स्ट्रीक्स, जो लाइंस आता है ब्रश. तो एक स्टिपलिंग ब्रश आता है, उसका भी फोटो मैं इधर डालती हूँ. तो स्टिपलिंग वो मेरे पास है नहीं, तो इसलिए. तो फिर जो स्टिपलिंग ब्रश होता है उससे क्या होता है, उसको आपको सर्क्युलर मोशन में एकदम लाइट हैंड से ऐसे 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 करके ब्लेंड करना होता है आपके फेस पे. बट ब्रशेस का मुझे क्या प्रॉब्लम लगता है कि मेक श्योर करना है कि वो आगे से पॉइंटी नहीं है, वो अच्छे से ब्लंट है. तो उससे क्या होगा, वो आपके पोर्स के अंदर नहीं जाएंगे, तो आपके पोर्स डैमेज नहीं होंगे. नहीं तो अदरवाइज ऐसे कुछ कुछ ब्रशेस होते हैं जो आपको पोक करते हैं और फिर उससे आपके पोर्स भी बढ़ने के चांसेस है. रूल नंबर 5 इज टू सेट योर फेस. आपका आपका फाउंडेशन सेट करना बहुत ज़रूरी है. तो उसके लिए आप कुछ भी यूज़ कर सकते हो, आपका कॉम्पैक्ट पाउडर यूज़ कर सकते हो, आप आपका लूज पाउडर यूज़ कर सकते हो, और नहीं तो फिर डायरेक्टली आप एक सेट स्प्रे लगा सकते हो आपके फेस पे. तो उसमें क्या होता है, आपको पता होना चाहिए कि फाउंडेशन के जितने भी कॉन्स है, कि मतलब वो केकी हो जाता है, वो ऑक्सीडाइज हो जाता है, वो मेल्ट हो जाता है, कुछ ना कुछ हो ही जाता है फाउंडेशन को बाई द एंड ऑफ द डे. अगर आप चाहते हो कि वो ज़्यादा देर तक रुके, क्योंकि आपने पूरा मेकअप किया, आप फिर से तो मेकअप कर नहीं सकते हो, तो फिर अगर आप चाहते हो वो पूरा दिन रहे, तो आपको उसको सेट करना बहुत ज़रूरी है. तो आपको एक और एक चीज़ इसमें याद रखनी है कि जो कॉम्पैक्ट पाउडर लूज पाउडर है, वो भी आपके स्किन टोन का ही होना चाहिए, क्योंकि कैसे एंड स्किन टाइप का भी. तो मैंने आपसे जो भी कहा, अगर आप ध्यान में रख के आपको आपका फाइनली फाउंडेशन मिल जाता है आपके, तो आप जा सकते हो foundation.com पे. मैं वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी. तो वो वेबसाइट क्या करती है, अगर आप एटलीस्ट मैक्सिमम दो तो आपको फाउंडेशंस पता होने चाहिए, तो आप एटलीस्ट दो शेड्स डाल दीजिए, एक भी चलता है, बट वो आपका एग्जैक्ट फाउंडेशन नहीं बता पाएंगे. तो मैं ये दो फाउंडेशन शेड्स डाल देती हूँ उसमें, तो वो मुझे ढूंढ के बता देंगे कि दूसरे ब्रांड्स में मेरा एग्जैक्ट फाउंडेशन शेड क्या है. तो आपके लिए भी थोड़ा ईजी हो जाएगा, थोड़ा सा डिफर कर सकता है, बट आप डेफिनेटली वो फाउंडेशन जाके स्टोर में ट्राई कर सकते हो, आपका बहुत वर्क ईजी हो जाएगा. तो आई होप ये वीडियो इन्फॉर्मेशनल था, आपको हेल्प होगा इससे. अगर आपको पसंद आया और आपको अच्छा लगा, तो डेफिनेटली वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. मीट यू अंटिल नेक्स्ट टाइम. अगले वीडियो में मिलते हैं. ओके.